नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। प्रयागराज में घर में घुसकर बीजेपी नेता को गोली मार दी गई है। बीजेपी नेता अजय शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पर 5 राउंड फायरिंग की गई है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपसी रंजिश में गोली मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। चलिए ग्राउंड जीरो से आनंद राज हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आनंद, क्या कुछ अपडेट है, क्यों गोली मार दी गई भाजपा नेता को? देखिए, ये प्रयागराज के अजय शर्मा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष हैं, जो सोराव इलाके में रहते हैं। और तकरीबन रात को ये अपने घर से शौच के लिए जा रहे थे, उसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने चारों तरफ से घेर कर इनको गोली मार दी। इस दौरान इनको 5 गोलियां मारी गई, जिन्हें घायल हालत में आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो ये जो बीजेपी नेता है प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है, और पुलिस का ये कहना है कि हर एंगल पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जल्द ही बीजेपी नेता पे हमला करने वाले अपराधी हैं वो पुलिस के गिरफ्त में होंगे। फिलहाल एक बीजेपी नेता को गोली मारा जाना ये बड़ा सवाल है। इससे कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठते हैं, क्योंकि सत्ता है जिनकी और उनको गोली मार जाना, ऐसे कहीं ना कहीं विपक्षी भी इस पूरे मामले पे सवाल उठा रहे हैं। जी पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपसी रंजिश में गोली मारी गई है। प्रयागराज का बड़ा मामला, सुराव क्षेत्र का ये पूरा मामला है। घर में घुसकर बीजेपी नेता को गोली मारी गई है। बीजेपी नेता अजय शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ। चलिए खबरों का रुख करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में। उत्तराखंड आज 22वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 21वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में 11वें मुख्यमंत्री सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की 12वीं सरकार उत्तराखंड स्थापना दिवस को महोत्सव के तौर पर मना रही है। उत्तराखंड स्थापना दिवस महोत्सव 9 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा। एक सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस ने स्थापना दिवस पर परेड की, तो वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक स्थल पर जाकर शहीदों को नमन किया। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर सीएम ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, पीएम मोदी के सहयोग से उत्तराखंड में विकास का काम हुआ है। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से काम हुआ और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी गई। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देवभूमि का विकास हमारी प्राथमिकता है और युवाओं को रोजगार देना हमारा मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। संबोधन के दौरान सीएम ने बताया कि 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए जा रहे हैं, जिससे सभी छात्र बिना परेशानी के आपसी अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमने 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर लिया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हर जिले में एक एक महिला छात्रावास बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उत्तराखंड की स्थापना पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, लिखा, उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देवभूमि के अपने सभी भाइयों और बहनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश ने जो प्रगति की है, उससे मुझे विश्वास है कि ये पूरा दशक उत्तराखंड का ही होने वाला है। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड में विकास का जो काम हुआ, वो इस बात का प्रमाण है कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहां के काम आ रहे हैं। मेरी कामना है कि प्रकृति की गोद में बसा ये राज्य यूं ही विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा, उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के निवासियों को हार्दिक बधाई। अपनी सरल जीवन शैली, ईमानदारी और विनम्रता के कारण प्रसिद्ध उत्तराखंड के लोगों ने अपने परिश्रम से राज्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के 21वें साल होने पर उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के बलिदान का सादर नमन। आम आदमी पार्टी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने को लेकर संकल्पबद्ध है। राज्य स्थापना दिवस के दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लाल कुआं से काठ गोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग 109 की दुर्दशा के खिलाफ गोरा पड़ाव में मौन उपवास रखा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह,
कुंजवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपवास पर बैठे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जो कि सरकार के आपराधिक कृत्य के समान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एनएच 109 की दुर्दशा की है। पूरे राज्य में सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है, जो कि सरकार की आपराधिक स्तर की उपेक्षा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि ये कुमाऊं का जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं हुई है। यशपाल आर्य ने कहा कि न सिर्फ नेशनल हाईवे बल्कि राज्य के स्टेट हाईवे भी जर्जर हालत में है। बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1328 करोड़ की 359 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल के मंच पर पहुंचते ही भाजपा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं पूरा पंडाल भारत माता की जय और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान हो गया। सीएम के मंच पर आते ही कमिश्नर और रमेश कुमार, एडीजी अवनीश चंद ने प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी हुंकार भरी। इस दौरान वो विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसते भी नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर के दौरे पर हैं, जहां जिले में अलग अलग स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहले जलालाबाद तहसील के काकुरी शहीद इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद बरेली मोड़ स्थित आवास विकास कॉलोनी में पूर्व सांसद बिशन चंद्र सेठ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद बिशन चंद्र सेठ के आवास पर पहुंचकर जलपान ग्रहण करेंगे। उसके बाद करीबन 2:30 बजे खिरनी बाग रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यही नहीं, योगी करीबन 500 करोड़ की योजनाओं को जनपद वासियों को सौंपा देंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, प्रसाद मिथिलेश कुमार, कपिल देव सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। देश में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा सोमवार से शुरू हो चुका है। इसको देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के दिन 10 नवंबर को अवकाश घोषित किया है। सीएम योगी ने कहा कि जिन जिलों में छठ का पर्व बड़े ही स्तर पर मनाया जाता है, उन जिलों में जिलाधिकारी छठ पर स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ आदि शहरों में छठ पर्व पर नदियों, तालाबों आदि तटों पर साफ सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। मादा में मुख्तार अंसारी के खिलाफ जगदीशपुरा थाने में दर्ज 22 साल के पुराने धोखाधड़ी के मुकदमे में बरेली में तैनात इंस्पेक्टर रूपेंद्र गौड़ गवाही देंगे। मुख्तार के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट ने फर्जी पत्र तैयार करते हुए सिम कार्ड हासिल करने के मामले में इंस्पेक्टर रूपेंद्र गौड़ गवाही देंगे। रामायण एक्सप्रेस ट्रेन अयोध्या कैन रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां रेलवे स्टेशन पर रामायण एक्सप्रेस ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। वहीं तीर्थयात्रियों ने अयोध्या की धरती को प्रणाम किया। रामायण एक्सप्रेस ट्रेन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां रेलवे स्टेशन पर रामायण एक्सप्रेस ट्रेन का भव्य स्वागत हुआ। तीर्थयात्रियों ने अयोध्या की धरती को प्रणाम करते हुए रामलला के दर्शन भी किए। छठ महापर्व की तैयारी, लखनऊ के गोमती तट पर जोरों शोरों से चल रही है। प्रशासन के तमाम अधिकारी भी वहां पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। छठ महापर्व की बिहारी और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खास महत्व है। यहां पर बहुत लंबे समय से छठ महापर्व मनाया जाता है। औरैया के गोविंद नगर क्षेत्र में कार और डंपर की आपस में टक्कर हो गई। थाना प्रभारी रहे इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार तिवारी गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। रायबरेली के रुई फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, तो वहीं फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे मजदूर किसी तरीके से निकलकर बाहर आ गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अलग अलग थानों से वारंटी अभियुक्तों के खिलाफ वृहद स्तर पर कार्रवाई करते हुए 10 वांछित अभियुक्त और 52 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए घर में अवैध रूप से तैयार की जा रही कच्ची शराब बरामद करी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हजारों लीटर शराब बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कवायद तेज कर दी है। सहारनपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक की सरेआम गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और स्थानीय लोगों की मदद से हत्यारे युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र में महिला और दो युवकों का फायरिंग करता वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शराब की बोतल और मटके में निशाना लगाया जा रहा है। तो वहीं पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुरादाबाद के मंगलापुरा थाना क्षेत्र में महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्षा माहिरा खान को गैंगस्टर कोर्ट में जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने माहिरा खान का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बहराइच में कार्यरत हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकारों की ओर से जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राजकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाश ने कुरियर कर्मचारी से 8 लाख लूटकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जालौन के गांव बिरई के रहने वाले अंकित चौहान की 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी बॉर्डर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं सैनिक की मौत की वजह स्पष्ट न होने पर घर वालों ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। सैनिक अंकित चौहान का पार्थिव शरीर एक प्राइवेट वाहन से उनके गांव जालौन पहुंचा तो वहां पर मौजूद लोगों और परिजनों ने इसे सैनिक का अपमान बताते हुए उसका पार्थिव शरीर लेने से इनकार कर दिया। साथ ही गुस्साए लोगों ने NH-27 पर जाम भी लगा दिया। लखनऊ के बंथुरा थाना क्षेत्र में घर पर सो रहे अधेड़ की सिर कूटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मगरू पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। सोनभद्र के घोरावल वन रेंज के जंगल से सटे गांव में तेंदुआ देखा गया है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मगरू पहुंची पुलिस ने और वन विभाग की टीम की ओर से सर्च ऑपरेशन करके तेंदुए को पकड़ लिया गया। सहारनपुर के मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं तस्करों के कब्जे से 1150 स्मैक बरामदगी की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1,25,00,000 रूपये आकी जा रही। बहराइच के रामगांव इलाके में मां के साथ खेत में गई बच्ची का किसी ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फतेहपुर में सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद भी किसान बाज नहीं आ रहे हैं और पराली जलाने का सिलसिला निरंतर जारी है। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कृषि विभाग को जिले से कुल 50 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मात्र 20 किसानों पर कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। रायबरेली के राइस मिलर्स एसोसिएशन के बैनर तले सभी राइस मिलर्स के मालिकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब हम सभी 65 राइस मिलों को संचालित नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपनी राइस मिलों की चाबियां जिला प्रशासन को सौंप देंगे ताकि वो इसे अपने सरकारी धानों की कुटाई के लिए इस्तेमाल कर सकें। आगरा के कागारौल थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग और पुलिस ने शराब माफियाओं के घरों पर छापेमार कार्रवाई करी। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने मौके पर अवैध शराब बनाने वाली भट्टी और 300 लीटर लाहन को नष्ट कर दिया। फरुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में युवक को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। प्रेमिका के घर पर प्रेमी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मगरू पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी मौके से फरार हो गया। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में मृतक का ससुरा भाई और उसके 2 बेटों ने अधेड़ को मौत की घात उतार दिया, तो वहीं एसपी के निर्देश पर पुलिस ने हत्या आरोपितों पिता और 2 बेटों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। झांसी के मऊरानीपुर तहसील में साधन सहकारी समिति के पास हजारों किसानों को 3 दिनों से खाद नहीं मिल रही है, जिसके गुस्साए किसानों ने हाईवे के पास चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद एसडीएम ने आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोला। कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र में चमड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तो वहीं आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। झांसी के गरौठा क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चली, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मगरू पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। रामनगर के विकासखंड क्षेत्र के प्रधान निधि मेहरा के नेतृत्व में एकत्रित ग्रामीणों ने तहसील परिसर पहुंचकर शासन और प्रशासन के खिलाफ गांव में लगने वाले स्टोन क्रेशर के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए कड़ा रोष व्यक्त किया।
ग्रामीणों ने एसडीएम गौरव चटवाल के माध्यम से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल और जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजते हुए गांव में स्वीकृत स्टोन क्रशर की अनुमति को निरस्त किए जाने की मांग की है। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए आपको बता दें कि देश के बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना का जिन एक बार फिर से यूपी के चुनावी बोतल से बाहर निकल आया है। जिन्ना को गांधी पटेल की कतार में खड़ा करने वाले अखिलेश ने केवल अपने बयान पर कायम नहीं है बल्कि इतिहास का हवाला देकर अपने बयान को सही भी बता रहे हैं, जिसके बाद सीएम योगी से लेकर पूरी बीजेपी अखिलेश पर तीखा हमला बोल रही है। ऐसे में क्या वजह है कि देश को बांटने वाले जिन्ना को अखिलेश आजादी का नायक बता रहे हैं? क्या वजह है कि अखिलेश को यूपी चुनाव से पहले जिन्ना का बार बार बचाव करना पड़ रहा है? देखिए, यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है और इसी बीच अखिलेश यादव के इस बयान से जिन्ना की भी एंट्री हो गई है। चुनावी सियासत में जिन्ना का जिन जाग चुका है। गांधी नेहरू और पटेल के साथ जिन्ना की बराबरी कर और जिन्ना को गांधी नेहरू और सरदार पटेल जैसा फाइटर बताकर अखिलेश यादव ने ताक में बैठी बीजेपी को बड़ा चुनावी असलहा थमा दिया है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। माना जा रहा है कि जिन्ना वाले बयान के पीछे यूपी के 20% मुसलमान वाली सियासत है, लेकिन इस बोल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अखिलेश पर फिर से बोलने का मौका दे दिया है। एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था और वक्तव्य क्या जारी किया था, यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं, भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और भारत को तोड़ करके जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए, जहां जिन्ना ने मुस्लिम पत्रियों से हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए कहा था, जिन्ना के इस कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता और उसे राष्ट्र तोड़क के रूप में ही हमेशा निंदित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर विपक्ष को लगातार चुनौती दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनकी ही तरह अड़िग और हिम्मत बांधे जिन्ना के जिन पर टिका हुआ है। आपकी बयान को बार बार कई राजनीतिक दलों ने उसको चलाया है, कई राजनीतिक दलों ने उसको सवाल उठाया है, जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर आप एक बार क्लियर कर दें। क्यों करें कॉन्टेक्स्ट, मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। अखिलेश यादव जिन्ना की तारीफ में कसीदे करने के बाद अपने बयान पर अड़िग है, जिन्ना के इतिहास को पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन ताक में बैठी बीजेपी लगातार जिन्ना के भूत को भुनाने में जुटी हुई है और एक के बाद एक तीर निशाने पर छोड़ रही है। जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं, दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्रनायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं,
जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके प्रति सतर्क रहना होगा। यूपी की राजनीति में रोज नया भूचाल आता है। इस बार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।